हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास में ये 12012 दो एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर नया है, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए नया नहीं है और कोई पुराना ट्रांसफार्मर है और आपका होम थिएटर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये होम थिएटर का है इसलिए मैं होम थिएटर की बात कर रहा हूँ। अगर आपका होम थिएटर काम नहीं कर रहा है तो आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि होम थिएटर में प्रॉब्लम है या ट्रांसफार्मर में, मतलब उसके बोर्ड में प्रॉब्लम है या ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है, तो ये आप कैसे पता करेंगे। या फिर अगर आप कोई पुराना ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं होम थिएटर में, तो फिर आप उसको चेक करके कैसे लगाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि पुराना ट्रांसफार्मर अगर आपके पास कोई है तो वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो मैं लाइट से चेक करने का तरीका बताऊंगा, दूसरे ये जो डिजिटल मीटर आते हैं इस टाइप के, इससे चेक करने का तरीका बताऊंगा कि इससे आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस ट्रांसफार्मर को कैसे पता कर सकते हैं कि ये सही है या खराब है। बहुत ही सिंपल वीडियो होने वाली है, बहुत ही कम समय में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई पुराना ट्रांसफार्मर है तो, या अगर नया है तो उसको भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। जब भी आप कभी इसको एसी वोल्ट से चेक करें लाइट से, तो ये जो लाल वाली तार होंगी ये एसी वोल्ट की होती हैं, और ये जो होंगी ये आउटपुट की तार होती हैं, ये भी एसी वोल्ट की होती हैं, लेकिन इसमें जो करंट है वो आप इसको हाथ से छू सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाली तार जो है इसको हमें कुछ नहीं करना है। फिलहाल हमें जो ये लाल वाली तार है इसको हमें एक मेन लीड के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरे पास में कुछ इस टाइप की मेन लीड है, आप देख सकते हैं, और इसमें आप दोनों वायर को एक के साथ एक कनेक्ट कर ले, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको जब भी कभी ट्रांसफार्मर चेक करना है पहली बार, तो ये आप याद रखें कि पहली बार में आपको, अगर आपका ट्रांसफार्मर नया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नए ट्रांसफार्मर बहुत कम खराब निकलते हैं, पुराने ट्रांसफार्मर में हो सकता है कि शॉर्टेज हो, तो इसलिए अगर आपके पास कोई पुराना ट्रांसफार्मर है तो उसको डायरेक्ट आपको एसी वोल्ट पे नहीं लगाना है। अगर शॉर्टेज होगी तो, अगर आप इन्वर्टर से कर रहे हैं तो इन्वर्टर खराब हो सकता है, लाइट से कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी एमसीबी वगैरह ट्रिप हो जाए, तो इसलिए हमेशा आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें जब भी कभी कोई भी ऐसी चीज़ चेक करते हैं जो एसी वोल्ट से वर्क करती है, जैसे ट्रांसफार्मर है या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो पहली वायर तो आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है, और ये जो दूसरी वायर है आपकी, ये दूसरी, ठीक है, इस वायर को आपको इसके साथ कनेक्ट नहीं करना है। ये मैं आपको बता दूँ, अगर आपसे लाइट का काम आता है तभी आप इस ट्रांसफार्मर को एसी वोल्ट से चेक करें, नहीं तो आप मीटर से कर सकते हैं, मीटर से भी मैं अभी इस वीडियो में बताऊँगा। अब चलिए मैं इसको पावर में लगाता हूँ, ये जो मेरे पास में प्लग है, और इसको मैं लगा रहा हूँ सीरीज पे, और आपको भी जब भी कभी चेक करना है तो सीरीज पर ही चेक करना है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जो तार है ना, इसमें अब एसी वोल्ट आ रहा है, इसलिए आप इसको बहुत ही सावधानी से चेक करें। देखिए, पहले आपका काम ये है कि ये चेक करना है दोनों तारों को मिलाकर के सीरीज आपकी चल रही है या नहीं चल रही है। तो सीरीज जो है हमारी वो ग्लो हो रही है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर बल्ब लगा हुआ जो है, देखिए सीरीज हमारी चल रही है। चलिए, अब ट्रांसफार्मर को किस तरीके से चेक करना है वो आप समझ लीजिए। पहले तो आपको एक बार इस पर बॉडी पर लगाकर यहाँ देखना है, अगर आपका बल्ब थोड़ा भी जलता है तो समझ लीजिए कि आपका ट्रांसफार्मर में बॉडी से शॉर्टेज है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आपके पास जो ये वायर है इसको भी आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, अगर किसी वायर पर आपके बल्ब जलता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर खराब है। सबसे लास्ट में आपको इस वायर के साथ कनेक्ट करना है, और यहाँ पर जो है वो बल्ब हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, मतलब हल्का सा जल रहा है, और मुझे लग भी रहा है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, स्पार्क भी हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो सही है। अब मैं इस प्लग को जो है वो यहाँ पर बोर्ड से निकाल देता हूँ, और दोस्तों आप इस तरीके से जो है वो ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज वगैरह को चेक कर सकते हैं। अब मैंने इसकी दूसरी वायर को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा दिया। ठीक है, अब आपको इसको फिर से एक बार सीरीज पर लगाना है, इस प्लग को, तो मैं इसको फिर से सीरीज पर लगाता हूँ, इसको आपको नहीं छूना है, ट्रांसफार्मर को अब आपको इधर रखना है। ये तो आपने चेक कर लिया कि ट्रांसफार्मर में कोई शॉर्टेज नहीं है, अब आप बीच की वायर को दोनों वायर के साथ एक एक करके टच करके देखें, स्पारिंग हो रही है यहां पर भी। ठीक है, तो ये करंट बना रहा है, यानी कि ट्रांसफार्मर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से एसी वोल्ट से ट्रांसफार्मर को चेक करा जाता है, ये तरीका है सीरीज का। मीटर से कैसे चेक करते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए दोस्तों, मीटर के लिए भी हमें वही करना होगा, इसकी शॉर्टेज को भी देखना होगा, और ये सब हमें पता चलेगा कंटिन्यूटी पर। ठीक है,
तो मैं मीटर को ऑन करके कंटिन्यूटी मोड पर यहाँ पर रख लेता हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास मीटर नहीं है तो आप सीरीज से कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी से चेक करना है। अब ये आपकी जो दो प्रॉप हैं, ठीक है, रेड एंड ब्लैक, इसको आपको डायरेक्ट इस पर लगाना है कंटिन्यूटी। यहाँ पर आपको दोनों वायर पर लगाकर पहले तो कंटिन्यूटी चेक करना है, और यहाँ पर जो कंटिन्यूटी है वो 149 आ रही है, 4849 आ रही है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी जो है वो सही ट्रांसफार्मर की है। अगर आपका ट्रांसफार्मर खराब होगा, शॉर्टेज होगी, तो यहाँ पर आपको 3 के आसपास कंटिन्यूटी मिलेगी, 1, 2, 3 के आसपास मिलेगी, यानी कि वो शॉर्टेज होगा। और अगर जीरो कंटिन्यूटी आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, तो इस तरीके से अगर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ट्रांसफार्मर है तब भी खराब है। पहली चीज़ आपने ये चेक कर ली कि इसमें 150 की कंटिन्यूटी आ रही है। दूसरी चीज़ आपको इसको बॉडी पर यहाँ पर प्रॉप लगाकर यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। बॉडी से भी यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, 1, 2, 3 भी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद तीसरा काम है, आपको इन तीनों वायर को एक एक करके चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, एक है आपके मीटर में एक ही रहे, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर एसी वोल्ट से सही है। तो मैं पहले 24 वोल्ट की एक वायर मैंने ले ली है, दूसरी अब हम ब्लू के साथ यानी कि 12 वोल्ट के साथ लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी है 3 की, ठीक है, तो ये फिलहाल ठीक है। इसके बाद हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूटी है 5 की, ये फिलहाल ठीक है। अब एक बार इसको और चेक करेंगे हम, यहाँ पर 3 आनी चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 आ रही है। अगर आपकी ये एसी आउटपुट की वायर ख़राब होगी तो यहाँ पर जो 3 की कंटिन्यूटी वो नहीं आएगी, ना ही बीप की आवाज़ आएगी इसमें, ठीक है। अगर बीप की आवाज़ नहीं आती है तो आप समझ सकते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है। इस तरीके से आप कोई सा भी ट्रांसफार्मर चेक कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखें कि 2 एम्पियर से बड़ा ट्रांसफार्मर होगा तो हो सकता है कि उसकी कंटिन्यूटी आपको कम या ज्यादा देखने को मिले। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।